सुना अजीम भाई से, हम ना जाएंगे भारत को मगर आपका छोटा भाई जुनैद क्या कह रहा है, बोला था फरमाया। अभी ये जो अभी गड्डी उड़ी है, अभी तो टाइगर चला है, टाइगर के बच्चे भी टाइगर ही होते हैं। हाँ, आंख दुश्मन की मेरी सिमत ना उठने देंगे, आंख दुश्मन की मेरी सिमत ना उठने देंगे, आंख दुश्मन की मेरी सिमत ना उठने देंगे, आंख दुश्मन की मेरी आंख दुश्मन की वो मुझको ना दिखाने देंगे, आंख दुश्मन की वो मुझको ना दिखाने देंगे। उधर से तो देखते रहते हैं मगर आज बड़ी खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे टिकटॉक पे और यूट्यूब पे देखा है, उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है, वो मैं ही हूं साहब। मगर बोले फरमाए, आंख दुश्मन की वो मुझको ना, क्या बात है, दिखाने देंगे, आंख दुश्मन की वो मुझको ना दिखाने देंगे, हो आंख दुश्मन की वो मुझको ना दिखाने देंगे, हंसी मजाक वो मेरा ना उड़ाने देंगे, हंसी मजाक मेरा उड़ाने देंगे। ख्वाजा वालो, ख्वाजा वालो, अजीम भाई से यकीनन आप लोग मोहब्बत करते हैं मगर मुझे यकीन है कि मिश्रा सुन के आप, मैं ये तो नहीं कह सकते जैकेट उतारोगे, मैं ये कह सकता हूँ खड़े जरूर हो जाएंगे कि हक है। हंसी मजाक वो मेरा उड़ाने देंगे, हंसी मजाक उड़ाने देंगे। लोगों ने जिन्होंने तंज किया था आपके इस शहर के मुताबिक, मगर गरीब नवाज तो बैठे, हंसी मजाक वो मेरा ना उड़ाने देंगे, हंसी मजाक वो मेरा ना उड़ाने देंगे, आंख दुश्मन की मेरी सिमत ना, आंख दुश्मन की मेरी सिमत ना उठाने देंगे, आंख दुश्मन की मेरी सिमत ना उठाने देंगे, मेरी निस्बत पे कोई आंच ना आने देंगे, मेरी निस्बत पे कोई आंच ना आने देंगे, मेरी निस्बत पे कोई आंच ना आने देंगे, मेरी निस्बत
वाले तो पैसे दे भी देते हैं मगर अजीम भाई तो देते ही नहीं, आज दे रहा है पहली बार मुझे। ये झूठ बोल रहा है या मैं क्या हर स्टेज पे लेता हूँ मेरे से पैसे? मगर ये पहला स्टेज है कि जो खुद दे रहे हो। वो इससे बाजा कहीं मुझको लोगों ने देखा होगा। मैं छोड़ के ये दरबार कहीं अब क्यों जाऊं, राजा है मददगार कहीं मैं। हमारे खासदार साहब तशरीफ लाए हैं और मैं इस्तकबाल करता हूं अपने अजीज का। हाँ राजेंद्र भाऊ हमारे राजेंद्र भाव खासदार साहब बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मगर हिंद से ख्वाजा कहीं मुझको ना जाने देंगे ना, मेरा मौजूद करो पहुंच जाऊंगा पूरी जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं हरिदास के दीवाने। पांच साल की बच्ची साबिया स्टेज के पास मिली है, जिन साहब की भी हो ले जाए। और मैं फिर से विनती करूंगा कई बच्चे खो चुके हैं। और जो लोग भी यहाँ तशरीफ रखे हैं सामने मेरे बड़े, मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ। जो कुछ भी है चल गई, इज्जत तुम्हीं से है, मेरी शोहरत तुम्हीं से है, जो कुछ है मेरे पास वो दौलत तुम्हीं से है। शमी असलम साहब कहाँ बैठे हैं, हमें नाम बताते ही नहीं हूं, खामोशी से काम हो जाता है। हाँ ओ या गरीब नवाज, इज्जत तुम्हीं से है, मेरी शोहरत तुम्हीं से है।
किसको कहते हैं? हाँ हाँ, इतना ही कहना काफी है। दोनों फनकारों को एक से लेके, क्योंकि हम दोनों ही के मेहमान हैं। क्योंकि मेरी एक गजल बड़ी मशहूर हुई है, बहुत ज्यादा सर, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के सौ टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। नबी का कॉल है मेहमान की खिदमत करा कीजिए, अगर मेहमान हो घर में तो बरकत कम नहीं होती। मेरा सर नुकसान करा रहा है, मगर सर अभी अजीम भाई ने माशाल्लाह एक से एक शेर पढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे कि एक ऐसा फनकार है कि जिसको इंडिया ही वर्ल्ड प्यार करता है। मगर दोस्तों तवज्जो चाहूंगा, चार मिसरे रख रहा हूँ, ये चार मिसरे फैसला करेंगे, क्योंकि आवाम मैं देख रहा हूँ जहां तक मेरी नजर जा रही है लाखों की तादाद से पब्लिक है और इस एतराज का बहुत लाजवाब प्रोग्राम होता है। मैं तो पहली मरतबा आया, मगर सर मैं इस मिसरे को रख रहा हूँ पब्लिक के बीच में। अब ये इसको सर का ताज बनाते हैं या क्या बनाते हैं ये इस पब्लिक की मर्जी, सिर्फ इन चार मिसरों में, क्योंकि ये सब धर्मों का प्रोग्राम है, सब लोग यहाँ मौजूद हैं कि हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, ये की तालियां बताएगी कि मैंने मिसरा क्या पढ़ा। हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। हमारे हाथ दिए अल्लाह ने, हाथ उठा के बताओ, आज मुझे खुद को बहुत मजा आ रहा है। हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। यूं मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, यूं मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, अंदर जाके पता लगाओ परेशान कौन है। Yeah, I'm a boy, no, 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 I'm a
देख लो किस्सा तमाम हो जाए, इसलिए आपकी चौखट से लगी बैठी हूँ। जाने कब आपका फायदा सजदे में काम हो जाए।